तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो पोर्टल होता है जहां पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, कि अगर वहां से एक बार डॉक्यूमेंट्स कोई आपने नहीं अपलोड कर पाए, हो सकता है आप डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड कर पाए, वो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट हो गया, तो क्या BGB एक बार में होकर क्या वो कैंसिल हो जाता है या उसके बाद भी BGB इनिशिएट हो सकता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूँ, BGB आपका जब इनिशिएट होता है तो इसके बाद होता क्या कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं पहले ऑनलाइन, उनके पास पोर्टल्स के एक्सेस होते हैं, आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, मार्कशीट हो गई, डिग्री हो गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वॉट एवर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को लेके, तो जो डॉक्यूमेंट्स उनको समझ नहीं आते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें लगता है कि ये फेक जैसा है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहीं पे स्टॉप कर देते हैं और आपको कॉल आता है या आप उस पोर्टल पे जाके वहाँ चेक कर सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेंडिंग हैं, या हो सकता है जब आप उस पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पे बताता है इनसफिशियंट डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स नीडेड, इस तरीके से उस पोर्टल पे आपको वो शो करेगा कि आपको अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिल करने हैं। तो दोस्त मैं बता दूं, आप ये अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो कि अगर एक बार वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया तो दोबारा नहीं होगा, वो दो बार, चार बार, छः बार, दस बार होता है, बट हाँ वो फेक ना पकड़ पाएँ। लेकिन जब आप बार 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 वही चीज़ करते हो तो हो सकता है कि फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आपको दो चार पाँच चांस आराम से मिलते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स आराम से फिल करो। और मैं आपको यही गाइड करूंगा कि जब भी डॉक्यूमेंट्स आप फर्स्ट टाइम ही अपलोड कर रहे हो BGB के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, तो एक एक डॉक्यूमेंट्स क्लियरली उसमें अपलोड करो, स्कैन करके प्रॉपर अपडेट करो उस पर, और एक एक लाइन पढ़ो कि उसे क्या क्या चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको आगे जॉब दिलाएगा। क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपकी जॉब चली जाएगी, जॉब जाने के चांसेस आपके रहेंगे। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो बहुत क्लियर होने चाहिए। बाकी आपको कॉल्स भी आते हैं, आपको 3 रेफरेंसेस भी देने होते हैं उसके लिए, तो आप वो रेफरेंस दो जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो। अब पता चले BGB वाले कॉल करें, उसको ये ना बोल दें कि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ। तो कोशिश करो कि आपका जो फ्रेंड है बहुत ज़्यादा क्लोज, कि आप उससे बोलो कि हाँ ऐसा ऐसा बोल देना, तो फिर आप वो चीज़ उनका नंबर दे दो, उनकी मेल आईडी दे दो। अब ये नहीं कि अभी 2 साल 4 साल पहले मिले थे, थोड़ा बहुत जानता है, पता चले उसको कॉल गया और उसने इग्नोर कर दिया, तो उस चीज़ उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस पर्सन का आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हो उसको पहले ये आप इन्फॉर्म कर दो कि मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का कॉल तुम्हारे पास आएगा, तो बता देना हाँ मैं जानता हूँ। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए 2 बार 4 बार चांस मिलते हैं, आप आराम से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो कैंसिल होने के बाद या रिजेक्ट होने के बाद। उसमें घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास चांसेस होते ही हैं दोबारा अपलोड करने के लिए। मतलब डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ वहाँ पे अपलोड करना, जो एक्सपीरियंस लेटर है, ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, जो भी है आप उस पर अपलोड करो। ये मत डरो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या होता, कई बार लग बोर्ड में वो निकल भी जाता है, इतना ज़्यादा नहीं करते, जब उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम लगती है तभी वो नोटिस करते हैं किस बंदे की ये डॉक्यूमेंट डिफरेंट क्यों हैं, ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो जो भी करना क्लेरिफिकेशन के साथ करना, और उसमें वो निकल भी जाता है। तो बच्चा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।